हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोगों के लिए एक उपमाव प्रीमिक्स पाउडर की वीडियो दिखाती हूँ। ये नॉर्मल उपमाव प्रीमिक्स पाउडर नहीं है, वेजिटेबल डाल की कैसे ये प्रीमिक्स पाउडर बनाते करके दिखाती हूँ। ये वर्किंग वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और अभी हम लोग बहुत बिजी रहते हैं ना लाइफ में, इसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए बहुत मुश्किल है सुबह, इसलिए हम लोग ये थोड़ा बना के रखा है। तो सुबह थोड़ा गर्म पानी डाल के जल्दी बना के ले सकते हैं। ये वेजिटेबल उपमा प्रीमिक्स पाउडर कैसे बनाते करके हम देखते हैं, चलो। हमारा वेजिटेबल उपमा प्रीमिक्स पाउडर बनाने के लिए पहले मैंने एक पैन गैस पे रख के अच्छा से गर्म करती हूँ। पैन अच्छा से गर्म हो गया है, उसमें मैंने एक टेबलस्पून घी डालती हूँ। बिल्कुल घी डाल के ये प्रीमिक्स पाउडर बना के रख दीजिए, बहुत टेस्टी है। थोड़ा घुमा के देती हूँ। घी अच्छा से गर्म हो गया है, इसमें मैं एक टेबलस्पून राई डालती हूँ। राई अच्छा से फूट गया है और हम इसमें डालती हूँ एक टेबलस्पून उड़द दाल। थोड़ा मिक्स करती हूँ। उड़द दाल अच्छा से रोस्ट हो गया है। अभी हम एक मीडियम साइज़ वाला प्याज, मैंने इसे छोटा टुकड़ा से काट के लिया है, ये अभी इसमें डालती हूँ। प्याज में थोड़ा पानी कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अच्छा से रोस्ट करके लेना चाहिए। मैंने 5 मिनट तक अच्छा से रोस्ट करती हूँ। देखिए 5 मिनट तक मैंने अच्छा से रोस्ट किया है, हाफ तक रोस्ट हो गया है। अभी इसमें मैंने बीन्स, मैंने इसमें छोटा से इसे काट के लिया है, ये 5-6 बीन्स रहेगा। और मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ वाला कैरेट, कैरेट भी मैंने इसे छोटा से काट के लिया है, ये भी डालती हूँ। ये भी मैंने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छा से रोस्ट करती हूँ, क्योंकि ये वेजिटेबल्स में पूरा पानी रहेगा, पानी पूरा कम होना चाहिए। देखिए हमारा कैरेट और बीन्स भी अच्छा से रोस्ट हो गया है। अभी हम थोड़ा सा नमक डालती हूँ और मैंने लिया है 2-3 सूखा वाला लाल मिर्च है ना, और मैंने इसे छोटा से काट के इसमें डालती हूँ। और हम इसमें डालते हैं 1/2 कप कैशू, अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। आप लोग का चाहिए तो सूखा वाला लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डाल रहे तो आप लोग पहले डाल दीजिए। हमारा कैशू भी अच्छा से रोस्ट हो गया है। और हम डालते हैं करी पत्ता। फ्रेश करी पत्ता मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने हमारा ऑथेंटिक केरला की करी लीव्स पाउडर है ना, वो डालते हैं। ये करी लीव्स पाउडर आप लोग को चाहिए तो हमारा वेबसाइट में मिल जाएगा। 1/2 टीस्पून करी लीव्स पाउडर डालते हैं। थोड़ा मिक्स करती हूँ और मैंने इसमें और थोड़ा घी भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था, इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा डाल के ऐसे बना के रखा है तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। थोड़ा मिक्स करती हूँ। अभी ये पूरा वेजिटेबल्स ऐसे करके रखती हूँ और हम इसमें 1.5 कप रवा नहीं तो सूजी डालती हूँ। और ये पूरा अच्छा से 10 मिनट तक बिल्कुल आप लोग मीडियम फ्लेम पे डाल के अच्छा से रोस्ट करके ले लीजिए। ये वेजिटेबल्स और सूजी रोस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग एक ही बार ऐसे थोड़ा ज़्यादा रोस्ट करके रख रहे तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बहुत ईजी रहेगा। और थोड़ा नमक डालती हूँ, अच्छा से मिक्स करती हूँ। ये सूजी पूरा अच्छा से रोस्ट हो गया है। अभी हम गैस ऑफ करने के बाद ठंडा होने के लिए निकाल के रखती हूँ। देखिए हमारा रवा अच्छा से ठंडा हो गया है। अभी मैंने इसमें से थोड़ा उपमा कैसे बनाते करके दिखाती हूँ। एक छोटी सी बाउल में ये प्रीमिक्स पाउडर डालती हूँ और अच्छा से बॉयल हुआ वाला पानी इसमें डालती हूँ। ये प्रीमिक्स पाउडर के ऊपर तक डाल दीजिए। एक स्पून से इसे थोड़ा सा मिक्स करती हूँ और 2 मिनट के लिए इसे बंद करके रखती हूँ। देखिए 2 मिनट हो गया है। देखिए हमारा वेजिटेबल प्रीमिक्स पाउडर से बनाया वाला उपमा रेडी हो गया है। ये प्रीमिक्स पाउडर हम घी से बनाए ना, इसलिए बहुत टेस्टी है। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट कर दीजिए कैसे करके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।